नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ अगर आप लेह लद्दाख बाइक से यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे जाए। कुछ ही दिनों में लेह लद्दाख के लिए मनाली से जो है रोहतांग पास खुल जाएगा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से लेके सितंबर तक लेह लद्दाख मनाली से जाने का सबसे अच्छा समय है। तो इस समय कैसे बाइक से लेह लद्दाख की यात्रा करें और कितने दिन का ये टूर पैकेज होना चाहिए और किन किन पड़ावों से होके हम गुजरेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों लेह लद्दाख टूर के लिए सबसे ज़रूरी बात है अगर बाइक से आप जा रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल भरा ये सफ़र रहता है। इसका कारण ये है कि दिल्ली से आपको चार दिन ले जाने में लगेंगे और चार दिन ले आने में लगेंगे, तो और मनाली से ये सफ़र दो दिन का होता है जाना और दो दिन का आना। और ले एक ऐसी जगह है, मनाली से जब आप ले जाते हैं कई किलोमीटरों तक वहाँ पे 300-400 किलोमीटर तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई गांव या कोई शहर कस्बा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी बाइक से अकेले जा रहे हैं तो ये यात्रा काफ़ी मुश्किल होती है, अगर क्योंकि इतना लंबा बाइक चल नहीं पाती है। जैसे अगर आप बाइक से जाते तो उसको थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, आपका ब्रेक डाउन हो गया, टायर पंचर हो गया, चेन टूट गई या कुछ भी हो गया तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप फंस जाते हैं, अकेले जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है ले जाने के लिए आप ग्रुप बना के जाएं। अगर आप खुद से भी जा रहे हो तो 4-5-10 बाइक्स का एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना के जाएं, जिसमें आप पीछे एक सपोर्ट वैन लेके चलना पड़ता है, डॉक्टर मैकेनिक वगैरह सब लेके चलना पड़ता है। तो अगर आप एजेंसी से, अगर हमारी एजेंसी से भी जाएंगे, किसी भी एजेंसी से जाएंगे तो क्या होगा, आपका एक ग्रुप वैन चलती है, ग्रुप पैकेज चलता है। अप्रैल से लेके सितंबर तक ग्रुप में हम हर डेट्स में कुछ 10-10, 15-15 दिन के गैप में दिल्ली से निकलते हैं। और इस पूरे पैकेज में क्या होता है आपको कि बाइक भी कंपनी की तरफ से मिलती है, पीछे एक सपोर्ट वैन रहती है जिसमें मैकेनिक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, आपके बाइक्स के पार्ट्स और फर्स्ट एड किट, डॉक्टर वगैरह की सारी व्यवस्था रहती है। और तो ताकि कहीं पर भी, और कहीं कई जगह पर खाने की व्यवस्था, कैंप लगाना पड़ता है, ये सब व्यवस्थाएं साथ लेके चलनी पड़ती है। और कई जगह पर ले में जहां हम रुकते हैं रात को, होटल की व्यवस्था भी नहीं, तो अपने साथ अपना कैंप भी खुद लेके चलना पड़ता है। तो आइए आप जानते हैं कि कैसे ये पूरी यात्रा करें। अगर आप किसी भी एजेंसी से जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें साथ मिलेंगी, बाइक आपको मिलेगी, आप सिंगल राइड करना चाहते हैं सिंगल के लिए मिल जाएंगी, आप कपल में राइड करना चाहते हैं एक बाइक में दो लोग बैठ सकते हैं वो मिल जाएगा, और आपको पीछे एक सपोर्ट वैन मिलेगी और मैकेनिक वगैरह, कैंप, खाना, रहना, सारी व्यवस्था पूरी, गाइड सब कंपनी की व्यवस्था रहती है, एजेंसी की व्यवस्था रहती है। तो इस ढंग से तो ये कैसे शुरू होती है दिल्ली से यात्रा और डे वाइज क्या प्लान रहता है आप हम जानते हैं। तो इस यात्रा का सबसे पहला दिन शुरू होता है, हम दिल्ली से चलते हैं। सबसे पहले दिल्ली से हम मनाली पहुंचते हैं, दिल्ली से मनाली बस से जाते हैं, वो लोग बस से जाएंगे ओवरनाइट जर्नी करके। दूसरे पहले दिन सुबह सुबह, पहली नाइट को, दूसरे दिन सुबह सुबह हम मनाली पहुंच जाएंगे और उस दिन हम मनाली में ही रुकेंगे, तो हमारा पहला दिन मनाली में हो जाता है। और दूसरे दिन जो होता है हमारी यात्रा का, मनाली में हम पहुंचेंगे, आप एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे और बाकी के जो दूसरे बाइक राइडर हैं उनसे मिलेंगे, एक दूसरे से को आप जानेंगे और थोड़ा बहुत मनाली का आप एक गाइडेड टूर करेंगे और उस दिन रात को मनाली में ही रुकेंगे और ओवरनाइट स्टे आपका मनाली में ही होगा। अब आपकी यात्रा का, लद्दाख यात्रा का असली समय आपके तीसरे दिन से शुरू होता है जब आप लद्दाख का अपना टूर शुरू करेंगे। अपने लद्दाख के इस टूर में सबसे पहले हम जाएंगे मनाली से रोहतांग पास होते हुए केलोंग या फिर जिस्पा हम जाएंगे। तो रोहतांग पास मनाली जाने का, रोहतांग पास मनाली से लद्दाख जाने का एकमात्र जरिया है। और ये जो रोहतांग पास होता है, सर्दियां जब आती हैं अक्टूबर से लेके अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक ये बंद रहता है, यानी इस पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है कि यहाँ से जा पाना संभव होता ही नहीं। जैसे जैसे गर्मी आती है बर्फ़ पिघलती है और कुछ बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया जाता है, एक दर्रा है छोटा सा उससे पार किया जाता है, हिमालय पर्वत की इस श्रृंखला को पार करके हम लद्दाख की तरफ को बढ़ता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता होता है और जो रोहतांग पास होता है इसको बाइक से पार करना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। और जब भी आप जाएंगे, अगर आप
अप्रैल मई जून इनफैक्ट जुलाई तक जाएंगे तब भी आपको कुछ वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी और दोनों तरफ बर्फ के पहाड़ और उसके बीच से आपको गुजरना और बाइक से पास करना बहुत ही एक उम्दा अनुभव होता है। तो इस अनुभव का लेंगे तो पहले दिन इस यात्रा के पहले दिन हम पहुंच जाएंगे रोहतांग पास से पार करते हुए केलोंग में पहुंचेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता होता है। हम बहुत छोटे छोटे खूबसूरत रास्ते में गांव आते हैं और जिस्पा और केलोंग एक छोटे से कस्बे हैं ये आते हैं और रास्ते में हमें चंद्रा और भागा नदी मिलेंगे, इसके किनारे किनारे जाएंगे और बहुत ही ठंडा ये पानी रहता है और हम जाकर अपना जो कैंप होगा या तो हम कैंप में रुकेंगे या फिर हम होटल में रुकेंगे। केलोंग में हम रुकेंगे और पहला दिन की नाइट हम केलोंग में रुकेंगे। तो लगभग हम पहले दिन 140 किलोमीटर का हम सफ़र करेंगे और ये रास्ता थोड़ा मुश्किल रहता है। करीबन आठ घंटे का ये सफ़र रहता है। हमें रोहतांग पास करने में ही 2 से 3 घंटे तो हमें रोहतांग पास करने में ही लग जाते हैं पहले दिन। तो इस तरीके से हमारा जो यात्रा का तीसरा दिन हम जिस्पा में हम रुकेंगे और वहाँ पे हमारी रात गुजरेगी और रात जो होती है बहुत ठंडक वाली होती है। अगर हम मई जून में भी जाएंगे तो उस टाइम पे भी अच्छी खासी यहाँ पे सर्दी रहती है, जैकेट और आपको गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। और इस यात्रा में आपके साथ साथ पूरा जो सपोर्ट स्टाफ पीछे पीछे आपके चलता रहता है, जिसमें आपकी फूड सप्लाईज होती हैं, खाना होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, आपकी गाड़ी की कुछ रिपेयर पार्ट्स होते हैं, मैकेनिक वगैरह भी साथ चलता है। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा आपके साथ। अब यात्रा का हमारा शुरू होता है अगले दिन यानी यात्रा के चौथे दिन। हम केलोंग से अपनी यात्रा का अगला दिन शुरू कर चौथे दिन हम चलेंगे केलोंग से बारचूला पास होते हुए सारचू हम चलेंगे। ये 100 किलोमीटर का सफ़र होता है, 5 से 6 घंटे की जर्नी ये होगी और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दो हमें झीलें मिलती हैं और बहुत जगह पे दीपक और सूरज ताल कहा जाता है, दीपक ताल और सूरज ताल कहा जाता है। बहुत खूबसूरत ये झीलें हैं और रास्ता जो ले जाने का वो इतना खूबसूरत होता है। आप मई जून में जाएंगे तो जगह जगह पर आपको हल्की हल्की घास खिली हुई मिलेगी और नदी को आप पार करेंगे कई जगह पर, जो बर्फ़ पिघल जाती है उससे नदियाँ बन जाती हैं जगह जगह पर, तो वो नदियाँ रोड के ऊपर से भी जाती हैं तो आप अपनी बाइक उसके ऊपर से चलाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत अनुभव रहता है। तो चौथे दिन हम पहुंचेंगे सारचू। चौथे दिन का हमारा जो पड़ाव रहेगा 100 किलोमीटर करके जिप्सा और बारचाला पास होते हुए हम पहुंचेंगे चासू और चौथे दिन का जो हमारा कैंप लगेगा वो सारचू में ही लगेगा, ओवरनाइट हम सारचू में। अब हमारी यात्रा का शुरू होगा पाँचवा दिन। पाँचवें दिन सुबह सुबह सारचू से उठेंगे और हम ले के लिए रवाना होंगे। अब सारचू से ले की जो दूरी होती है 253 किलोमीटर होती है। ये जो होता है, ये जो दूरी है ये इस पर आपको एक जगह बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रोड मिलेगी जहाँ हम गाड़ी थोड़ी तेज चला सकते हैं और जो सारचू से जब हम जाते हैं तो हमें जिसको एक चीज़ बोला जाता है घाटा लूप्स मतलब हम पहाड़ी के ऊपर चलते हैं तो बहुत सारे घुमावदार मोड़ आते हैं। 22 घुमावदार मोड़ों को पार करके हम लेह की तरफ को जाते हैं, यानी जब भी हम हिमालय की तरफ को बाइक राइड करते हैं तो बीच बीच में पहाड़ियाँ आ जाती हैं, उन पहाड़ियों तक हमें ऊपर जाना होता है। उन जो रोड बनती है पहाड़ में तो वो बिल्कुल घुमावदार रोड बनती है और उसको इस ढंग से किया जाता है कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। तो घुमावदार पासों को घाटा लूप्स को पार करके तो बहुत ही उम्दा अनुभव होता है कि भाई जब हम ऊपर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं अरे कितनी हम दूरी तय करके आए, कितनी ऊंचाई हमने चढ़ा। और जैसे ही ये पार करते हैं तो बिल्कुल एकदम खुला मैदान आपको नज़र आएगा दूरों दूर दूर तक और वहाँ पे आप बहुत तेज़ यानी 100, 150, 200 किलोमीटर पर आवर 150 तक किलोमीटर तक की भी आप अपनी बाइक को गाड़ी को आप चला सकते हैं वहाँ पर और वहाँ पे तेज चला सकते हैं। इसलिए हम पाँचवें दिन करीबन 253 किलोमीटर हम यात्रा कर लेते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाँचवें दिन में हम ले पहुँच रहे हैं दिल्ली से चलकर, तो ये रास्ता ले का जो रास्ता होता है कितना मुश्किल भरा होता है, थोड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं
और यही एक जरिया है बाय रोड अगर जाना चाहते हैं तो। और बाय रोड जाने का एक आनंद ही कुछ और है, चारों तरफ पहाड़, हल्के हल्के पेड़, कई जगह पर बर्फीली नदियाँ आपको मिलेंगी। यह अनुभव अपने आप में एक लाइफ टाइम अनुभव रहता है। और हम रात को ले पहुंच जाएंगे पांचवें दिन, तो और उस दिन पांचवें दिन गेस्ट हाउस में वहां पे होटल में रुकेंगे, क्योंकि ले में होटल की कोई कमी नहीं है, तो होटल में रुकेंगे। अब शुरू होगा हमारा ले पहुंचने के बाद ले के आसपास की जगहों का हमारा दौरा। तो अब जो छठा दिन होगा, छठा दिन सुबह सुबह जाएंगे ले से, हम जाएंगे खारदुंगला पास होते हैं नुब्रा वैली। खारदुंगला पास आपने सुना होगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जहां पे गाड़ी जाती है, 18,380 फीट की ये की ऊंचाई पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है जब भी आप जाए तो यहाँ पे ज्यादा देर ना रुके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्यादा देर रुकेंगे और आप की बॉडी वहां के वातावरण के अनुरूप नहीं है तो आपको कम ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगी, तो आपको बेहोशी आने लगती। कई लोग बेहोशी और चक्कर आके यहाँ पे गिर जाते हैं। तो ज्यादा देर यहाँ पे कि आप ना रुके, एक बार खारदुंगला पास आपने देख लिया उसके बाद इसको पार करके यहाँ से चले जाए। और कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो लोग जोश जोश में यहाँ पे बड़े आराम से घंटों रुकते हैं, तो घंटों रुकना यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाता। और ये खारदुंगला पास की एक खास बात ये भी, ये जो पुराने जमाने में ट्रेड हुई करते थे जब रेलगाड़ी, एरोप्लेन या पानी के जहाज भी इतने बड़े नहीं थे, तो पूरा चाइना से लेके यूरोप तक जब जो माल जाता था तो इसी रूट से जाता था। सारा जो ऊँटों में, घोड़ों में सारा माल ढुलाई होती थी। चाइना से अगर किसी को कोई चीज़ यूरोप भेजनी होती तो यही सिल्क रूट बोलते थे इसको, और जो खारदुंगला पास होते हुए बिल्कुल इधर सारा जाता था। तो छठे दिन हम इधर पहुंच गए, ये पूरा देखेंगे। और खूबसूरत नुब्रा वैली, इस पूरे इलाके को नुब्रा वैली कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत है ये नुब्रा वैली। आपको नदी दिखेगी और चारों तरफ हल्के हल्के बर्फ फूल खिले होंगे, और यहाँ पे जाएंगे और रात को यहाँ पे कैंप पे ही रुकेंगे हम। तो इस तरीके से हमारा छठा दिन यहाँ से जाते हुए नुब्रा वैली में लग जाएगा, 130 किलोमीटर का ये सफ़र होता है, ये करेंगे। अब शुरू होता है हमारी यात्रा का सातवां दिन। हम जो भी ये टूर करेंगे ले में भी हम बाइक से ही जाएंगे, पूरा हमारा सफ़र हर जगह बाइक से ही होगा। सातवें दिन नुब्रा वैली से हम शौक होते हुए पेंगोंग लेक जाएंगे। पेंगोंग लेक बहुत ही खूबसूरत ये झील है, और जब से 3 इडियट पिक्चर आई है, मूवी आई है, उसके बाद से तो हर कोई इस झील में जाकर एक बार फोटोग्राफी तो ज़रूर करना चाहेगा। तो ये जो झील है काफ़ी बड़े इलाके में फैली हुई है, इसका लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे ये झील है, बहुत ही लंबी है, 143 किलोमीटर लंबी है। इसका 60% हिस्सा जो है वो चाइना के पास है, तिब्बत में, और 40% इंडिया में आता है, और बहुत चौड़ी है, 5 किलोमीटर तक ये चौड़ी है। और इसमें सबसे खास बात ये रहती है, जब इस झील में आप देखते हैं सुबह से शाम तक इस झील के पानी का जो रंग होता है वो अलग अलग दिखाई देगा आपको, जैसे जैसे सूरज की किरणें अलग अलग एंगल से इस पर पड़ती हैं वैसे वैसे इसका नीला, हल्का पीला और अलग अलग रंगों का पानी हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत होता है फोटोग्राफी करना। अगर आपके पास कोई फीमेल राइडर भी आपके साथ है, कोई महिला है, तो आप यहाँ पर 3 इडियट्स वाले स्कूटर में बैठकर करीना कपूर जिस स्कूटर में आई थी, तो वहाँ पर फोटोग्राफी ज़रूर यहाँ पर एक कर सकते हैं। तो वो एक आप अपने साथ अपनी यादें यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत। तो सातवां दिन हम नुब्रा वैली में और पेंगोंग लेक में ही हमारा, उसके पास ही कैंप लगेगा, कैंप में आप रुकेंगे और आपका खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ कैंप में होता है। इस तरीके से आपका आठवां दिन। अब वापस हम, अब आठवें दिन सुबह सुबह पेंगोंग लेक से चांगला पास होते हुए वापस ले आ जाएंगे। ये भी बहुत खूबसूरत रास्ता होता है, और जो इंदस नदी है उसके किनारे किनारे हम ये आएंगे, तो नदी के किनारे किनारे ये रास्ता पार करने का मज़ा ही कुछ और है। जगह जगह पर जहाँ पर अच्छा आपको लगता है फोटोग्राफी के लिए रुक जाएंगे, और आपको जगह जगह पर घास चढ़ती हुई आपको और हिमालयन गोट भी यहाँ पर दिखाई देंगी जो ऊपर पहाड़ों में चलती हैं, और बहुत खूबसूरत ये घाटी है। तो आठवें दिन वापस हम ले लद्दाख, ले मतलब जो लद्दाख की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, वहाँ हम ले पहुँच जाएंगे, और आठवें दिन की रात को होटल में ही ले में हम रुकेंगे, चेक इन करेंगे, वहीं पर हम रुकेंगे।
तो इस तरीके से हमारा ले का पूरा बाइक वाला टूर, हमारा एक तरीके से ले वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाता है। अब हम 90 दिन से वापसी की तैयारी शुरू करते हैं। 90 दिन से हम वापसी ले से मनाली की तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ले जाने का अनुभव रहता है बाइक में, एक मैंने जैसे बताया एक यादगार क्षण रहते हैं आपके जीवन में, और आपको 10 से 11 दिन यहाँ कम से कम चाहिए जाने के लिए। और आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, मेंटल टफनेस थोड़ी सी होनी चाहिए। आप अलग अलग बीच बीच में अलग अलग तरीके के टेम्परेचर जोन से, कहीं आपको एकदम सुबह बहुत गर्मी लगेगी, शाम होते होते बादल आ जाएंगे तो टेम्परेचर एकदम गिर जाता है। लद्दाख की एक खास बात होती है। एक चीज़ और होती है, आप जब चांगला पास और आप नुब्रा वैली में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप कैमल की राइडिंग भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसको एक डेजर्ट, ले को एक डेजर्ट भी कहा जाता है, मतलब वहाँ पर बर्फीला डेजर्ट, बर्फ भी होती है और डेजर्ट भी है, आपको रेत भी मिलेगी। तो ये रहता है। और 90 दिन, अब इस यात्रा के 90 दिन जो है हम ले से वापस जिस रास्ते से हम आए थे सारचू आ जाएंगे। 250 किलोमीटर का ये सफ़र 7 घंटा तय करके खूबसूरत नदियाँ झरने वगैरह देखते हुए हम सारचू में ही अपना कैंप लगाएंगे 90 दिन। और यात्रा के 10वें दिन सारचू से जिस्पा, सारचू या जिस्पा पहुँच के वहाँ से वापस हम मनाली आ जाएंगे। और 10वें दिन फिर मनाली में ही रुकेंगे। और 11वें दिन सुबह सुबह मनाली से वापस आपकी दिल्ली वोल्वो बस से ड्रॉप हो जाए। तो आप देख सकते हैं आपके पास 11 दिन आप जा रहे हैं, और 11 के 11 दिन लगभग आप अपना सफ़र कर रहे हैं। 11 दिन की आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी, बाइक चलानी पड़ेगी 11 दिन आपको अगर ले आपको जाना है। तो हर दिन कुछ कुछ किलोमीटर हो रहे हैं, और वो भी अच्छे खासे किलोमीटर हो रहे हैं। तो मेंटल टफनेस और फिजिकल टफनेस ले टूर के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके पास कम से कम 10 से 15 दिन का समय होना चाहिए। तो इस पूरे तरीके से आप 11 दिन का ले का ये टूर कर लेते हैं। तो अगर आपको ये टूर करना हो तो आप इन दिए हुए नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपका ये पूरा टूर ऑर्गेनाइज कराने में मदद करेंगे। और किसी भी और दूसरी एजेंसी से लेंगे तो आपको इसी ढंग का ले का टूर पैकेज आपको मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज कुछ होंगी तो आप हमें इन दिए हुए नंबरों पर बता सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे जो ले का टूर होता है वो कैसा होता है, और बाइक से जाने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है।